यूरेशियन लिंक्स दुनिया की सबसे बड़ी लिंक्स होती है, पर क्या हो अगर हम एक यूरेशियन लिंक्स के सामने ग्रे वुल्फ को रख दे तो? आज हम इन दोनों के बारे में कई सारे फैक्ट जानेंगे और देखेंगे इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। यूरेशियन लिंक्स मीडियम साइज वाइल्ड कैट होती है जिसके पास गद्देदार पैर होते हैं जो उन्हें बर्फ में चलने में मदद करते हैं, साथ ही साथ उसके पास छोटी सी पूंछ और मुंह पे घने बाल होते हैं। यूरेशियन लिंक्स की साइज़ की बात करें तो यूरेशियन लिंक्स का वेट लगभग 18 से लेकर 30 किलो तक का होता है। वहीं उनकी लेंथ लगभग 2.6 से लेकर 4.2 फीट तक की होती है, जबकि उनकी शोल्डर हाइट लगभग 1.8 से लेकर 2.4 फीट तक की होती है। वहीं हम यूरेशियन लिंक्स की स्पीड की बात करें तो यूरेशियन लिंक्स लगभग 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। यूरेशियन लिंक्स दिखने में भले ही छोटे हैं पर वो अपने से कई गुना ज़्यादा बड़े जानवरों का शिकार कर लिया करते हैं, जैसे एल्क और रेनडियर, और वो कई बार रेड फॉक्स का भी शिकार किया करते हैं। ये तो हमने यूरेशियन लिंक्स के बारे में बात की, अब हम वुल्फ के बारे में जानते हैं। वुल्फ डॉग की फैमिली से रिलेटेड होते हैं। वुल्फ का कलर वाइट और ग्रे होता है। वुल्फ हमेशा झुंड में ही रहते हैं। वुल्फ के झुंड को पैक कहते हैं और एक पैक में लगभग 5 से 20 भेड़ियों हो सकते हैं। वुल्फ के साइज़ की बात की जाए तो वुल्फ का वेट लगभग 30 से लेकर 80 किलो तक का होता है। वहीं उनकी लेंथ लगभग 3.2 से लेकर 5.2 फीट तक की होती है, जबकि उनकी शोल्डर हाइट लगभग 2.7 से लेकर 2.9 फीट तक की होती है। वुल्फ की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, पर मैं आपको बता दूँ वुल्फ लगभग 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। वुल्फ हमेशा झुंड में रहते हैं और झुंड में ही शिकार किया करते हैं, इसलिए वो अपने से कई गुना ज़्यादा बड़े जानवरों को मार गिराते हैं, जैसे कि एल्क, डियर और बाइसंस। ये तो हमने इन दोनों के बारे में कई सारी जानकारियाँ ली, अब हम देखते हैं अगर इनके बीच कभी फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। लिंक्स और वुल्फ एक ही तरह के इलाके में पाए जाते हैं, इसलिए इनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती होंगी, और इनके बीच की लड़ाई की वजह खाना और इलाका है। और हम इस लड़ाई के विजेता की बात करें तो विजेता होगा वुल्फ, क्योंकि वुल्फ के पास लिंक से लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा शरीर होता है। पर वुल्फ लिंक से इतनी आसानी से नहीं जीत पाएगा, क्योंकि लिंक्स भी अपने से कई गुना ज़्यादा बड़े जानवरों को मार गिराती है। फिर मेरे हिसाब से ये फाइट 55% वुल्फ के फेवर में और 45% लिंक्स के फेवर में है। तो फिर आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन जीतेगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।